देखिए, लखनऊ की टीम को खुला चैलेंज है, दिल्ली की टीम को खुला चैलेंज है और चेन्नई की टीम को भी खुला चैलेंज है कि डिबेट कर लें जो उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया वो गलत साबित कर दूंगा मैं, आंकड़ों के साथ भी साबित करूंगा और लास्ट और रीजन बताऊंगा क्यों चेज नहीं होता। देखिए, पहले चेज होता था, 8 बजे का मैच था पहले, वहां ड्यू फैक्टर का ज्यादा रोल था। अभी कोई एडवांटेज है ही नहीं चेजिंग में, आप 7:30 का मैच है, बॉल गीला होता है तो बॉल अंपायर चेंज करता है, सूखी बॉल आती है और ओस पड़ी नहीं है। आपने किसी गेंदबाज को कंप्लेन करते नहीं सुना होगा कि भाई डी हो रहा है, बॉल गीला हो रहा है, टॉवल बाहर आई है, सुपर शॉपर चलता है, वो दवाइयां भी डालते हैं जहां ड्यू को आपने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, तो कोई भी अतिरिक्त एडवांटेज नहीं है। जहां ना 7:30 का जब मैच शुरू होता है तो 7:30 का मतलब जो पिच 7:30 को रहेगा वो पिच लास्ट तक 3 घंटे तक सेम रहता है, रिमेन रहता है 7:30 के बाद भी 3 घंटे तक, तो कोई अतिरिक्त एडवांटेज नहीं है। हालांकि एक्स्ट्रा प्रेशर है, आप जब चेस करते हो नॉकआउट गेम जो लखनऊ ने दिल्ली में किया, वहां जानते हुए भी कि 4 मैच वहां पहले बैटिंग करके टीमें जीती, वहां पहुंचे केएल राहुल टॉस जीत के फील्डिंग करी, वहां हारे, दिल्ली पहुंची बैंगलोर वहां फील्डिंग करी टॉस जीत के वहां हारे, सीएसके अभी हाल में अगेंस्ट आरसीबी टॉस जीत के पहले वहां फील्डिंग करी, वहां चेस नहीं हुआ, तो चेसिंग नहीं हुई है। आप आंकड़ों से ही बात करोगे, आप जब देखोगे आंकड़े ओवरऑल तो वहां भी पहले जो बैटिंग करके इस साल भी ज्यादा जीत मिली है, लास्ट के 10-12 मैच जहां प्ले ऑफ की लोग बात करते हैं प्ले ऑफ नॉकआउट है, वहां भी कम से कम 12-13 मैचेस में 8-9 बार टीमें जो पहले बैटिंग करी है वो जीती है, तो कोई भी अतिरिक्त एडवांटेज चेसिंग का है नहीं, टीमें बहुत गलतियां कर रही हैं, ये मैं आपको बोलना चाह रहा था।